बीडी शर्मा आजकल एक अलग एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक तरफ तो अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव की तैयारी कराते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हारे हुए बूथों पर फोकस करने की समझाइश दी। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के कार्यकर्ता सभी बूथों पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम करें, साथ ही जिन जिन बूथों पर हम हारे हैं उन पर विशेष फोकस करें। साथ ही उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस पर टिप्पणी भी की कि सभी मोर्चे हमारे जो बूथ हम हारे हैं, लगभग 15,000 बूथ हम लगातार चुनावों में हमारा एनालिसिस जो है, तो उन बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो, ये हमारा प्रयास है कि उन बूथों को जीतने का हमारा टारगेट है और जहाँ पर जीते वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप हो। तो इस प्रकार से हारे हुए बूथों को भी फोकस करने का काम, सज्जन सिंह वर्मा टाइप के लोगों की बातों को वो अपने कांग्रेस के बारे में सोचें कि वो कैसे सदस्य बनाएं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए, अपने जीवन को खपा कर काम करने वाले लोग होते हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी कभी आओगे देखोगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस लिए काम करता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।